गुड मॉर्निंग बच्चों, ऐसे हो? बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, जो कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर रखा था कि ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी आता था, तो वो कहाँ से आता है उसका बेसिकली प्रूफ करना है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रूफ पढ़ने वाले हैं, तो बिना समय वेस्ट किए हुए चलते हैं आगे। चलो, तो सर सेंटर, इन सेंटर, इन सेंटर की बात हो रही है। इन सेंटर क्या होता है सर? एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन होता है सर, यही तो होता है। बिल्कुल, एंगल बाइसेक्टर्स का ही इंटरसेक्शन होता है। अगर एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन होता है तो इसी इसी पॉइंट को क्या कहेंगे सर? आई कहेंगे। सर इसका कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। अगर इसका कोऑर्डिनेट चाहिए तो सर हमको क्या क्या चाहिए? हमको बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कोशिश करना है। अब हमें पता है कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये कोई लाइन आ रहा है, इसको सपोज मान दे दो क्या, डी दे दो, ठीक है, ये लाइन ए डी एंगल बाइसेक्टर है, तो जिस रेशियो में ये साइड डिवाइड होगा, ये साइड किस रेशियो में डिवाइड है? सी बाई बी, उसी रेशियो में ये दोनों साइड भी डिवाइड होगा, यानी कि बी डी, मैं कह सकता हूँ कि बी डी इज टू डी सी क्या होगा, ये भी हमारा सी इज टू बी होगा। बात समझ आया क्या? जिस रेशियो में ये दोनों साइड डिवाइड होगा, उसी रेशियो में ये दोनों साइड भी डिवाइड होगा, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है। यानी कि बी डी बाई डी सी क्या हो जाएगा सर? सी बाई बी, सी इज टू बी हो जाएगा। ये सी होगा तो ये बी होगा। अच्छा सर, रेशियो आ गया, तो हमें पता है सर कि हम इसको मान लेते हैं कि बी डी की लेंथ क्या है? सी एक्स है। एक्स तो कहीं नहीं यूज किया ना, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, ये हाँ, तो ठीक है सर, बी डी इज इक्वल टू सी एक्स मान लेता हूँ, तो देयर फोर मेरा डी सी क्या हो जाएगा सर? बी एक्स हो जाएगा। लेट मैं अपने से मान लेता हूँ सर, ठीक है, क्योंकि रेशियो दिया रहता है, अगर फाइव इज टू फोर दिया रहता है तो ऐसे ही तो मानते हैं, फाइव एक्स फोर एक्स मान के आगे बढ़ जाते हैं फर्दर। तो चलो, हमें बी डी प्लस डी सी की वैल्यू दी हुई है, बी डी प्लस डी सी की वैल्यू क्या दी हुई है? ए के बराबर दी हुई है, ये दिया रहेगा, ये हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। ए के अपोजिट वाला स्मॉल ही होता है, बी के अपोजिट वाला साइड स्मॉल भी होता है, सी के अपोजिट वाला स्मॉल सी होता है, लेंथ हमेशा दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो टू पॉइंट फॉर्म से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या कर लेंगे? लेंथ निकाल लेंगे। अगर लेंथ निकाल लेंगे तो आगे बढ़ो, ये क्या हो जाएगा सर? ये और कुछ नहीं होगा, सी प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा सर। आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि देयर फोर एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए बाई बी प्लस सी। आ जाएगी क्या? हाँ सर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए बाई बी प्लस सी। अगर एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो क्या बी डी और डी सी आ जाएगा? हाँ सर, बी डी भी आ जाएगा, बी डी आ जाएगा सी एक्स, यानी कि आ जाएगा क्या? ए इंटू सी बाई बी प्लस सी। उसी तरह अगर मैं डी सी की बात करूँ तो डी सी आ जाएगा सर बी एक्स, बी एक्स यानी कि ए बी बाई बी प्लस सी। तो बी डी की भी लेंथ आ गया सर, बी डी की लेंथ आ गई क्या अपनी? ए सी बाई बी प्लस सी, ए सी बाई बी प्लस सी, और इसकी डी सी की लेंथ, डी सी की लेंथ आ गई सर ए बी बाई, ए बी बाई बी प्लस सी। अच्छा सर, अब क्या करें हम? रेशियो पता था ना? हाँ सर, रेशियो तो पता ही था, रेशियो पता था क्या? सी इज टू बी। अगर रेशियो हमें पता है सर, इसका रेशियो सी है, इसका रेशियो बी है, सी रेशियो बी है, ये दोनों कोऑर्डिनेट पता है, बी और सी, तो क्या डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा? बिल्कुल, डी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। डी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा सर? डी का कोऑर्डिनेट आएगा एम एक्स टू, यानी कि सी इंटू एक्स थ्री प्लस एन इंटू एक्स वन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, यानी कि बी इंटू एक्स टू। बाई क्या आ जाएगा सर? बाई एम प्लस एन, यानी कि सी प्लस बी आ जाएगा। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूँ तो सी बाई थ्री और प्लस बी बाई टू आ जाएगा। बाई क्या आ जाएगा? सी प्लस बी। ये तो आ गया सर मेरा किसका? डी का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर सर मेरा डी का कोऑर्डिनेट आ गया, ए का कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, अगर मेरे को ये रेशियो पता चल जाए तो आई का कोऑर्डिनेट मैं तुरंत निकाल सकता हूँ। अच्छा, रेशियो रेशियो ध्यान दो, ध्यान दो, ए बी डी ट्रायंगल ले लो इस बार, ए बी डी, क्या ये दोनों भी एंगल बाइसेक्टर है? हाँ सर। तो क्या इसका इसका रेशियो जो होगा वही ए आई इज टू आई डी होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा। ये कहाँ से आया? ये बी डी इज टू डी सी कहाँ से आया? बी डी इज टू डी सी किसके बराबर होगा? हमें पता था कि ए बी इज टू ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? बी डी इज टू डी सी होगा, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है। अच्छा, उसी तरह अगर इस एंगल में बात करूँ तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमें क्या कहता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि ए बी इज टू बी डी, ध्यान देना, ए बी इज टू बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आई इज टू सी डी, ए आई इज टू आई डी। अरे मेरे भाई, ये इज टू ये था तो ये इज टू ये था, हाँ सर, बराबर वाला, ये इसी इसी से आएगा, इसी के एडजेसेंट वाला, ठीक है। तो उसी तरह मैं कह सकता हूं कि ए बी, ए बी इज टू बी डी, ए बी इज टू बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ए आई इज टू आई डी, हाँ सर, ए आई इज टू आई डी हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा सर? ये तो हमारा सी था सर। अच्छा, ये लेंथ कितना आ रहा था? ये लेंथ जो आ रहा था सर, वो आ रहा था ए सी बाई बी प्लस सी, यही आ रहा था क्या? हाँ सर, यही आ रहा था। अगर यही आ रहा था तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सर सी डिवाइडेड बाई ए सी बाई बी प्लस सी, यही रेशियो है, सी से सी कट जाएगा सर, बी प्लस सी ऊपर चला जाएगा सर,
यानी कि बी प्लस सी बाई ए। रेशियो मेरा कितना आ जाएगा सर, बी प्लस सी बाई ए, यानी कि बी प्लस सी रेशियो ए। ये किसका रेशियो आ गया सर, ये रेशियो आ गया मेरा किसका सर, ए आई इज टू आई डी का, ए आई इज टू आई डी का, ए आई इज टू आई डी का रेशियो आ गया सर, बी प्लस ए इसका रेशियो आ गया क्या, बी प्लस सी इज टू, इज टू कितना आ गया सर, इज टू ए आ गया सर। अरे मेरे भाई, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये रेशियो पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, डी वाला भी तो कोऑर्डिनेट पता ही है, डी वाला कोऑर्डिनेट यही तो आया है। कहाँ गया डी वाला अपना कोऑर्डिनेट, बी डी का, डी का कोऑर्डिनेट ये है, ये डी का कोऑर्डिनेट पता है, सब तो पता है। तो आई निकालना है, तो आई निकाल लेते हैं। आई क्या हो जाएगा सर, अगर मैं आई निकालने जाऊंगा सर, तो ध्यान दो, आई निकालने जाऊंगा, एम, एम को ले लो, तो बी प्लस सी एम इंटू एक्स टू, एक्स टू इसका एक्स, इसका एक्स कहाँ है, ये, अगर ये है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, सी एक्स थ्री प्लस, सी एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू बाई सी प्लस बी, एम एक्स टू, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, प्लस एन एक्स वन, यानी कि ए एक्स वन, ए एक्स वन बाई एम प्लस एन, बाई एम प्लस एन, यानी कि बी प्लस सी प्लस ए। अच्छा, उसी तरह अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट का बात करूं, तो एम एम वाई टू, यानी कि बी प्लस सी इंटू, इंटू क्या हो जाएगा, सी वाई थ्री प्लस बी वाई टू और बाई सी प्लस बी, एम वाई टू प्लस एन वाई वन, प्लस एन वाई वन प्लस ए वाई वन, प्लस ए वाई वन, और बाई क्या हो जाएगा सर, बाई बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए, हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा, यही मेरा क्या आ जाएगा सर, आई का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, बी प्लस सी से बी प्लस सी गया, बी प्लस सी से बी प्लस सी गया, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया सर ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, उसी तरह ये क्या आ गया सर, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आएगा, तो ये हमारा इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, क्या यही आ रहा था, हाँ सर यही आ रहा था, इसी का तो प्रूफ करना था। तो ये आएगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले टॉपिक पे, टिल देन ओके बाय।